हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर माय सेल्फ सोमनाथ पलिचा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल के बारे में ही बात करेंगे और एक प्रोटीन रिलेटेड बात करेंगे और फिर बचा आप लोगों का डिसऑर्डर वाला पार्ट जो भी आज के लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लेक्चर का पा लास्ट पार्ट रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का ठीक है mm. और इजी है देख लो ध्यान दो स्क्रीन पे ओके सबसे पहली कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है दैट इज अ फैट विटामिन 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 ए ए जिसको रेटिनॉल कहा जाता है क्या है क्या जहां से आपको मिल जाते हैं कैरेट टोमेटो पपे मैंगो मिल्क एग्स एंड कॉड लिवर ऑयल ओके सो कैरेट है टोमेटो so, है पपया है मैंगो है मिल्क एग कॉड लिवर ऑयल फंक्शन क्या है तो एसेंशियल रोल है विजन के लिए सबको पता है आंखें अच्छी होती है विटामिन ए से

ओके okay? और इनके डेफिशिएंसी सिम्टोम क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेफिशिएंसी होने से क्या हो रहा है और किधर क्या रिक्वायरमेंट है ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि मैज द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं ओके okay? तो ध्यान दो विटामिन डी आप लोगों को जिसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं ये मिलता है कॉड लिवर ऑयल से स्किन कैन सिंथेसाइज विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ये बात तो बिल्कुल सही है आप लोगों को पता भी होगी

विटामिन ई e, जिसका दूसरा नाम है टोको टोकोफेरॉल ये मिलेंगे आपको वीट ग्राम ओके लीफी वेजिटेबल्स फैट्स ऑफ द वेजिटेबल ओरिजिन ओके एंड इज एक्ट अ गुड एंटी ऑक्सीडेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन यू कैन से एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन

इंक्रीज हिमोलाइसिस इन शॉर्ट जो है ना ब्लड का ब्लड की कमी हो जाना वो भी एनिमिया ही कहलाता है तो यही सारी आपको यही से मिलेंगे Next है, विटामिन के जैसे की विटामिन के वन विटामिन के टू एंड द विटामिन के थ्री ओके तीनों के अपने अपने नाम भी है इन जनरल इसको फाइनोक्यूनॉन मतलब के वन हो गया ओके मिनाक्यूनॉन ये के टू हो गया एंड मेना डायोन ये केतरी हो गया ओके नाउ सी लीफी वेजिटेबल वीट जर्म्स विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया बाय द लार्ज इंटेस्टाइन यू कैन से बैक्टीरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हीमोरेज ओके वाटर सोलिबल विटामिन के बारे में बात करते हैं तो फैट सोल्यूबल आपके पास चार थे ए डी ई के अभी वाटर सोल्यूबल्स के बारे में बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी वन ओके बी कॉम्प्लेक्स में काफी सारे विटामिन आ जा जाते हैं इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है तो जैसे ही आप लोग देखो स्क्रीन पे आ गया है विटामिन बी वन जिसका दूसरा नाम है थियामिन ओके थियामाइन ओके होल ग्रेन व्हीट जेम फिर लेग्यूम्स नट फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा एसेंशियल फॉर द रिपेयर फॉर द ग्रोथ

अभी बढ़ते हैं आगे इसके डेफिशिएंसी अगर हो जाती है विटामिन बी वन की तो हो जाएगा बेरी बेरी डिसीजेस जिसको बी वन डिसीज भी कहा जाता है ओके डेफिशिएंसी इन एल्कोहोलिक्स कॉजेस वर्निक की सिंड्रोम्स ओके एंड कॉर्शेक सिंड्रोम्स इन में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है बेरी बेरी डिसीज ओके यही आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं ओनली फॉर दिस पॉइंट नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉइंट विटामिन बी टू दैट इज अ राइब इसमें मिल्क चीज मीट एग लेग्यूम स्वीट मशरूम्स वीट ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ये सारे सोर्सेस मिल जाएंगे इट हेल्प्स इन द आरबीसी प्रोडक्शन एक्ट एज एम एन एंड एफ ए डी FMN एम एन एक्ट एज इन ई जैसे कि हम लोगों ने देखा था फ्लाविन मोनो ओके न्यूक्लोटाइड्स एंड ऑल ये सारी बातें हम लोगों ने की थी उसके बाद हवे वार ओके इन बोथ टी सी एज वेल एज ई मतलब दोनों साइकिल में हम लोगों को काम करके देता है अगर कमी हो जाएगी तो चेलोसिस हो जाएगा विटामिन बी थ्री दैट इज नियासिन ओके निकोटीनिक एसिड भी इसको कहते हैं होल ग्रेन नट्स लेग्यूम्स ईस्ट, लिवर फिश मीट पोल्ट्री ये सारे इसमें से मिल जाएंगे आपको ठीक है एक्ट एस एनएडी एंड एनएडीपी इन द टीसीए साइकिल अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेलेग्रा एंड हार्ट नब डिजीज अ हेरिडिटरी अबनॉर्मलिटी इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन विल बी सीन विटामिन बी5 जिसको पेंटो सी पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है East milk, groundnut, tomatoes, liver, meat, wheat, honey, egg yolk, etc. These are the sources for healthy skin and hairs. Okay. It forms coenzymes A in tricarboxylic acid cycle. Okay. Deficiency leads to the dermatitis, retarded growth, loss of hair, graying of hairs. Okay. These are the symptoms you can see over here. Vitamin B six. Pyridoxine, जिसको कहा जाता है होल ग्रेन बनाना सोयाबीन मीट एक्सेट्रा एंड में मदद करेगा एनिमिया विल बी रिजल्ट अगर कम हो जाएगा तो ओके देन कॉन्वल्यूशन नोजिया मेंटल डिसऑर्डर रिटारी सीन बायोटीन दैट इज अटामिन बी सेवन एग यॉक मिल्क नट नी लिवर मीट फिश दिज आर द एग्जाम्पल्स गिवन टू ऑल ओके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म करवा के देते हैं अगर कम हो जाएगा बॉडी में तो पोअर ग्रोथ हो जाएगी लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल्स लॉस ऑफ एपटाइट वीकनेस हेयरफॉल नौ सी फॉलिक एसिड दैट इज अटामिन टेन ओके बी टेन

हम लोगों ने पूरे डाइजेस्टिव चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में ठीक है नाउ सी इट इट इज इज रिपोर्टेड इन द स्पिरुलिना एन एनिमल सोर्स लिवर मीट मीट फिश एग आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो करवा के देते हैं डीएनए सिंथेसिस करने में मदद होगा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में मदद होगी ओके पर्निशियस एनीमिया कहलाएगा अगर कम हो जाएगा तो बॉडी में ओके नेक्स्ट विटामिन बी सेवेंटीन ओके जिसको लेट्रिल भी कहा जाता है वीट ग्रास जूस में मिल जाएगा आपको बी ओके. Okay? विटामिन सी की बात करें सबको पता है इसको कार्बिक एसिड कहा जाता है सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएंगे आमला में मिल जाएगा गुआवा में है टोमेटो के अंदर भी मिल जाएगा आप लोग को ठीक है विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी and the production of antibodies. It is good for the bones, teeth, gums. It is an antioxidant. Okay, it is deficiency causes the scurvy. Vitamin P, hesperidin, cysteine. Okay, citrus fruits and the green vegetables are the source. It maintains the walls of the blood vessels. Abhi विटामिन वगैरह देखने के बाद अवर टॉपिक इज स्टार्टेड विद्रो स्क्रीन। देखो क्या क्या चीजें हमको समझनी है नेम सोर्स फंक्शंस, डेफिशिएंसी सिमडम्स ओके तो सबसे पहले आ रहा है कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाते हैं वीट से भी मिल जाएगा आप लोगों को ठीक है useful for the formation of bones and teeth helps in the blood clotting keep muscles and nerve capacity active okay now here rickets and muscle spasm will be seen if it is deficient okay into the body chlorine table salt seafood chlorinated water say miljagaploko Okay maintains ph balance in our body fluid कॉन्स्टेंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इट डिस्टर्ब दी एच बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड ऑल्सो इफ इट इज गेटिंग डेफिशियंट ओके बॉडी पीएच में होना बहुत जरूरी है ओके नेक्स्ट मैग्नेशियम डेरी प्रोडक्ट सीरल ग्रीन लिफी वेजिटेबल सी फूड व्हीट एंड चॉकलेट्स आर द सोर्सेस फॉर दिस

सोडियम तो सबको पता है इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट सो टेबल सॉल्ट मोस्ट फूड एंड वीट आर द सोर्सेस फॉर दिस इट हेल्प्स इन द मसल एक्टिविटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स ओके सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल जैसे हम लोग बात करते हैं तो यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रैंस डायरिया एंड डिहाइड्रेशन वाले प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं पोटेशियम की बात करें तो सीरल्स, मीट फ्रूटिटेबल्स है और येड विदियम फॉर द कंडक्शन और दूसरी बात सल्फर की करते हैं डेयरी को मेनी प्रोटीन एसेंशियल फॉर दिट्रेस ऑफ विटामिन बी वन ओके तो मिथियोनाइन एंड दिस्टाइन जो दो एमिनो एसिड्स है जो की रिच इन सल्फर होते हैं तो ये सारी बातें में हेल्प करेगा ही ओके विटामिन बी वन फॉर द हेल्थी हेयर स्किन

नेक्स्ट जो एलिमेंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो है कोबाल्ट ओके सी मिल्क मीट आर द दोर्स पार्ट ऑफ द विटामिन बी टेर फोर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एनीमिया हो जाएगा नहीं मिलेगा तो कॉपर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पीनट पार्ले ब्लैक ग्राम से मिल जाएगा प्रमोट्स यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन द हीमोग्लोबिन एनीमिया अगर नहीं मिला तो ओके okay? फ्लोरिन के बारे में बात करते हैं टी फिश सिटी वाटर सप्लाई ये सारे सोर्सेस है प्रिवेंट्स डेंटल कैरियर्स एंड वीक टीथ प्रोन टू डीके ओके मतलब खराब हो जाएंगे आपके दांत अगर फ्लोराइन वगैरह नहीं मिला तो ओके आयोडीन आयोडीनाइज सॉल्ट सी फूड आर द सोर्सेस ओवर हियर कॉन्स्टेंट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन व्हिच इज सीक्रेट व्हिच इज बाय द थायराइड ग्लैंड ओके अगर नहीं मिला तो गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी आयरन मोस्ट मीट ड्राइड नट्स बनाना हनी डेट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्सेस कॉन्स्टिटेंट्स ऑफ द हिमोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन अगर नहीं मिला तो आपको पता है एनीमिया होना बनता ही है तो माइक्रोसिस्टिक एनिमिया कहते हैं ओके नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मैंगनीज नट्स लेग्यूम स्वीट जो लिवर्स ओके फॉर नॉर्मल रिपोडक्शन फंक्शन ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड सिंधे ऑफ द हिमोग्लोबिन इट इज रिक्वायर्ड तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है अगर डेफिशियंस हो जाएगा तो डिस्टर्बेंस इन द आयरन मेटाबोलिज्म ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑल्सो नेक्स्ट सेलिनियम जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है सी फूड मीट्स आर द ओवर हियर पार्ट ऑफ द द सेवरल एंजाइम्स फंक्शंस विद विटामिन ई ओके प्री मैच्योर एजिंग होने लगेगा कैंसर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होंगे ओके okay? जिंक की बात करें तो सोयाबीन ब्लैक ग्राम व्हीट ग्राम बार्ले बाजरा मिल्क एग दीज आर द दोर्सेस इट इज एक्टिंग लाइक अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स सच एज कार्बोनिक एंड्रेस ओके इंसुलिन एक्शन कार्डियो प्रोटेक्टिव इन नेचर पोअर ग्रोथ स्लो सेक्शुअल डेवलपमेंट इम्पैर मतलब अगर कम मिलेगा तो ये सारे दिक्कतें आने लगेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो मै मैक्रो एलिमेंट्स और जो माइक्रो एलिमेंट्स है उनको रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बात कर ली है बढ़ते है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो की तरफ जो की आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट रहेगा डेट इज दीई एम

कभी कभी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है या तो कार्बोहाइड्रेट की होती है या तो दोनों की भी देखी जाती है तो अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में अगर डेली डाइट दिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिकवर भी की जाती है ओके इनके दो तरीके हैं मतलब ये दो टाइप्स के होते हैं पीई एम दट इज अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इट इज क्वाशियोकर एंड द मैरसमस आप लोगों ने क्लास टेंथ में तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी भी होगी ठीक है अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ओके तो पीई एम म क्वाशियोकर इट इज यूजली ऑब्जर्व इन द चिल्ड्र एज ग्रुप ऑफ वन टू फाइव इन वही अगर मैं मैरासम की बात करूटलीयर समझ में आ रहा है तो यह वन ईयर के नीचे के लिए मैरासमस और वन से फाइव ईयर के ऊपर के बच्चों के लिए क्वेश्चकर नाम की बीमारी हो जाती है ओके okay? अगर खाना पानी सही से नहीं मिला तो सी डेफिशिय अगर क्वेश्चन की बात करें तो वीक मसल लिम्स विल बी थीन रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन

Moon shaped face and all, okay. And it's look like old person face. Understood? So these are the problems which can be seen in the koshioka and the Marasmus related people, okay. In the you can say children's. Now, the very last part of the chapter is that over nutritional disorders, okay.

loss of of swelling in in the the body parts, excess of vitamin D, See, calcium get deposited in the soft tissues, conditions okay? और ये आपको ध्यान रखना है की इट इज ओनली अ फैट सोल्यूबल विटामिन ए डीई के दीज आर दोल्युबल जिनमें से ए और डी जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है फॉर द हाइपर विटामिनोसिस कंडीशन के लिए नेक्स्ट है

Take care, bye bye.